नंबर 5 दरोगा राय कॉलेज से, दरोगा राय कॉलेज से गोपालगंज मोड़ तक एवं हरदिया मोड़ से बबुनिया मोड़ तक सुबह 8 बजे दिन से 9 बजे रात्रि तक ट्रक एवं भारी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। जा रही बस थोड़ा सा ऑटो वाला थोड़ा सा ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, लोग थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं सब, इतने पब्लिक ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए 6 जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। पैदल भी बंद रहेगा लेकिन बारिश होने के चलते कुछ लोग आर पार हो रहे हैं। नहीं देखने के लिए आए हैं कि कहाँ डैमेज है, कैसे हम बोल रहे हैं, हम लोग देखने के लिए आए हैं। जी जी कोई रास्ता नहीं के पास बस आपको शास्त्री नगर नवलपुर होते हुए लंबा दूरी पड़ जाए, दूरी पड़ जाए। आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का आवागमन लगातार जारी है, वो देखिए आप देख सकते हैं उधर की पुलिस के जवान तैनात है। इसके बाद भी बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान। घर ऑफिस स्कूल हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टेक्ट करें 7857934410। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है सिवान शहर के लाइफलाइन कहे जाने वाले शहर के बीचों बीच बने दहा नदी पुल पर, और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि दहा नदी पुल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इधर से किसी भी तरह के आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। सिवान शहर के बीच ये रास्ता जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट पत्थर गिरा के इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और ये दहा नदी का पुल है जो 25 अगस्त से शाम 6 बजे से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हम आपको पीछे की पहले तस्वीरें दिखाएंगे, ये सिवान शहर में जाने वाला रास्ता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट कंक्रीट गिराकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। बैरिकेडिंग भी यहाँ पे लगाई गई है और सब आपको बता दें कि सिवान डीएम अमित कुमार पांडे के आदेश के बाद इस पुल पर यातायात जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पैदल भी यात्रियों को जाना मना है। लेकिन इन सबके बावजूद आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं और कई साइकिल से भी लोग यहाँ से गुजरते हुए दिखे। हम आगे के लिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे लेकिन आपको जानकारी दे दें कि 2011 में बना ये दहा नदी पुल 11 साल में ही ये क्रैक कर गया बीच में से। उसके बाद से डीएम अमित कुमार पांडे ने सुरक्षा को देखते हुए इस पुल पर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया और इसकी मरम्मती का काम के निर्देश दे दिए, मरम्मती का काम किया जाएगा। और इसके बावजूद भी लोग जो है वो आवागमन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, हालांकि बैरिकेडिंग लगा हुआ है इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति जा रहे हैं, आप सामान लेके जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो अपने घर से आ रहे हैं अभी। तो कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं ललित बस स्टैंड में। तो आपको पता नहीं ये पुल बंद है? जी बिल्कुल पता है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है लेकिन फिर क्या की जाए। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, देख ही रहे हैं बरसात के मौसम। सामान वामान लेके जा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जाना है तो वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं। तो उधर से तो कचहरी के आपको शास्त्री नगर होते हुए नए किला होते हुए तो गाड़ी जा रही है? जा रही है बस, थोड़ा सा ऑटो वाला थोड़ा सा ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहे हैं सब, इतने पब्लिक ज़्यादा परेशानी हो रही है, उधर से कोई जाना नहीं चाह रहा है, बहुत मुश्किल से इधर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, पुल बंद होने के बाद आप देख सकते हैं यात्री जो है अपने सामान लेकर स्वयं जा रहे हैं, कुछ और लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। वार्ड पार्षद है राजन शाह जी, पुल बंद हो गया है, कितनी परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ तो लोग के हल ही है, अब इसमें कौन, अब जब तक नहीं बन रहा है तब तक तो लोग के परेशानी हो ही रहा है। क्या लगता है इसका कोई उपाय होना चाहिए क्योंकि पैदल यात्रियों को दिक्कत हो रही है? वो होगा एकदम तुरंत होगा इसके लिए। लेकिन जो ऑटो वगैरह चलाए जा रहे हैं इस पार से उस पर जाने के लिए, वो जाएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फिर के जाएंगे? मनमानी भी सुन रहे हैं कि जो यात्री नहीं, नहीं, बता रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा, कोनो मनमानी नहीं चलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्टीमर चला दिया तो पैदल जाने वाले, मान लीजिए जो गोपालगंज मोड़ से दरबार के पास जाना तो पूरा घूम के उनको पैदल जाना पड़ रहा है। चलेगा स्टीमर? चलेगा, बात हुई है प्रशासन से? जी जी। चलिए राजन शाह जी हैं जिन्होंने कहा कि स्टीमर भी चलेगा। हम आगे के लिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हम उस साइड भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सिवान के जो एसडीएम है सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा, उनकी बातों को सुनाते हैं कि उन्होंने पुल बंद होने के बाद क्या कुछ कहा। तो आइए आपको सुनाते हैं, सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने पुल बंद होने के लेकर क्या कुछ कहा। सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी का ये बयान दें।
आदेश था डीएम साहब का इस पुल को लॉक कर दिया गया, क्या कुछ नया नियम आया है? पुल को पूर्णतः बंद कर दिया गया है आप लोगों की आवागमन के लिए। रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जो नवनिर्मित झूनापुर बाईपास है उससे लोग आवागमन करेंगे और हदिया मोड़ चमड़ा मंडी स्टेशन रोड होते हुए जो दुर्गा कॉलेज बाईपास का लोग यूज करेंगे। सर बहुत लोगों के मन में प्रश्न ये भी उठ रहा है, कुछ लोग पैदल है, क्या पैदल वाले लोग स्कूल से जा सकेंगे क्या? पूरी तरह जो भी आवागमन है सुनिश्चित करने का स्कूटी इंजीनियर का अनुरोध है, इसलिए तकनीकी तौर पर पूर्णतः आवागमन निश्चित रहेगा। सर इंजीनियर आ चुके हैं, मरम्मत जो बनाने वाले वो आ चुके हैं? हाँ मरम्मत आ चुके हैं, सामान गिरा रहे हैं लोग, मरम्मत का तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। आपने सुना कि सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने क्या कुछ कहा और यहाँ पे एक अधिकारी तैनात है पुल पर और पुल पर आवागमन को रोकने के लिए, क्या कहेंगे किस तरह से आवागमन को रोका गया है? हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से आम पब्लिक को हम लोग समझा रहे हैं कि भाई गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह आप लोग मत जाइए, आप पैदल भी अगर मार्च करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग बचते हुए जाइए। हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं लेकिन हम लोग समझा बुझा कर हटाने का। कितने जवान को यहाँ पर तैनात किया गया? अभी 6-7 जवान उधर हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ। लेकिन साइकिल भी तो अभी भी जा रही है? नहीं, साइकिल जो जा रही है जो चल गया वो लौट के फिर रिटर्न हो रहा है, यानी कि अब हम भी जो हमारा ड्यूटी है यहाँ ये जो है पुल के रूट साइड में कलेक्टर के सामने, तो इधर से तो एक भी साइकिल क्रॉस नहीं कर रही है, उधर से हो सकता है मिस्टेक से कोई आ गया फिर दोबारा वो आने का कोशिश। यात्रियों को भी समझाया जा रहा है? हाँ यात्रियों को भी, आप लोग भाई बढ़िया से रहिए, ढंग से जाइए, कोई आप लोग को परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग यहाँ अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं कि कोई आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। चलिए 6 जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। पुल पे हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान जी हैं जिनके ऊपर ये पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखें और जो अल्टरनेट रास्ता है उसको भी सही ढंग से सुचारू कर सके। हमारे साथ शाहजहां खान जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर पुल को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने है बिल्कुल बंद। पैदल भी कल SDM साहब ने बोला कि बंद बंद है, पैदल भी बंद रहेगा लेकिन बारिश होने के चलते कुछ लोग आर पार हो रहे हैं। क्या अल्टरनेट व्यवस्था की गई है? अल्टरनेट व्यवस्था है टाउन से जाने के लिए कचहरी वाला रोड, नई किला, नवलपुर, श्रीनगर, बाइक के लिए, फोर व्हीलर के लिए नहीं, केवल बाइक, एम्बुलेंस, इमरजेंसी उर्जेंसी सेवा, रिक्शा और उधर से आने के लिए भी यही है। बकिया गाड़ी के लिए, कार और के लिए आपको गोपालगंज दरोगा राय कॉलेज से होते हुए छोटपुर बाईपास होते हुए इधर निकल जाए जो आगे जाने वाले हैं, जहाँ शहर में भी आने वाले हैं, और एक रूट वो है आपका दरोगा राय कॉलेज से बाईपास धर के अंदर ओवर ब्रिज स्टेशन होते हुए। तो क्या लगता है जिस तरह से सिवान की शहर की ट्रैफिक व्यवस्था रही है, आप लगातार संभालते रहे हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर डबल लोड पड़ेगा? लोड तो पड़ेगा, तो किस तरह से और रणनीतियाँ बनाई जा रही है? आप काफ़ी तेज चला रहे हैं और लगातार आप ट्रैफिक को मेंटेन करने की कोशिश किए हैं, तो अब किस तरह से रणनीतियाँ रहेगी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? अब है कि रूट दे दिया गया है, अब जो जिस रूट में जहाँ प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से हम उसको सॉल्व कर किया जाएगा। चलिए सिवान के लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार इसके कारण जो आप सिवान रजिस्ट्री कचहरी रोड बता रहे हैं उसके बाद आपको नवलपुर नया किला रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से जूझेगा, ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी। हम सिवान वासियों से अनुरोध यही करेंगे जो फोर व्हीलर है काइंडली उसमें ना जाएं, अगर वो पतला रोड है वो जाएंगे तो रोड जाम होना है, वो इसीलिए प्रशासन के द्वारा हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में वो रूट दिया गया है केवल बाइक, रिक्शा, इमरजेंसी सेवा के लिए। बिल्कुल, ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिवान रजिस्ट्री कचहरी नया किला नवलपुर का जो रोड है वो बाइक के लिए है, रिक्शा के लिए, एम्बुलेंस के लिए, उस रोड से इन्होंने साथ साथ ये भी अपील की कि बड़े वाहन उस रोड से न जाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं उत्पन्न हो। तो सिवान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, यानी कि जो अल्टरनेट रास्ता है हम वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे, शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी, मोबाइल में ये प्रेस विज्ञप्ति है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं छपरा से उत्तर प्रदेश मैरवा गुठनी सिसवन आंदर रघुनाथपुर, छपरा से उत्तर प्रदेश मैरवा गुठनी सिसवन आंदर रघुनाथपुर जाने वाले जितने भी छोटे बड़े वाहन हैं उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि हरदिया मोड़ से बाएँ मुड़कर
चमरा मंडी स्टेशन रोड आंदर फ्लाई ओवर एवं दरोगा राय कॉलेज होते हुए जाएंगे, यानी कि जो भी छपरा से वाहन जाएंगे वो उत्तर प्रदेश मैरवा गुटनी सिसवन आंदर रघुनाथपुर उनको जाना होगा। वे हरदिया मोड़ से बाएं मुड़कर सिवान स्टेशन रोड आंदर ढाला फ्लाई ओवर और दरोगा राय कॉलेज होते हुए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया है कि पटना से गोपालगंज मैरवा गुटनी उत्तर प्रदेश आदि को जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो जो नया बाईपास रोड में बनाया गया है, हाईवे बनाया गया है नवनिर्मित छोटपुर झुनापुर बाईपास, उसके माध्यम से वाहन जो है वे उधर से जाएंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से मैरवा गोपालगंज से पटना अथवा छपरा जाने के लिए सभी प्रकार के वाहन, यानी कि जो भी वाहन है उत्तर प्रदेश से मैरवा से गोपालगंज से पटना या छपरा जाएंगे उनके लिए छोटपुर झुनापुर नव निर्मित बाईपास का प्रयोग करना है, यानी कि जो बाईपास बनाया गया है छोटपुर का उसको प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर उन्हें सिसवन रघुनाथपुर आंदर को जाना है तो उन्हें दरोगा प्रसाद राय कॉलेज से दाएं मुड़कर आंदर ढाला बाईपास रोड का प्रयोग उन्हें करना होगा। इसके साथ ही दरोगा राय कॉलेज से गोपालगंज मोड़ तक एवं हरदिया मोड़ से बबुनिया मोड़ तक 8 बजे से 9 बजे तक सभी प्रकार के वाहन, जैसे कि भारी वाहन हो गए, ट्रक हो गए, बस हो गए, उसका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने निर्देश जारी किया है। और आपको बता दें कि आपने सुना कि रामबाबू बैठा ने क्या कुछ कहा, इन सब के बावजूद पुल पे जो है आवागमन वो हो रहा है। कुछ लोग भी हैं जो पुल पे घूम रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पुल पे बंद किया गया है जी, आपको मालूम है जी, तो इसके बाद भी आप लोग जा रहे हैं? नहीं, देखने के लिए आए हैं कि कहाँ डैमेज है, कैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग देखने के लिए आए हैं जी जी। लेकिन डीएम का तो साफ तौर पे आदेश है कि पुल पे नहीं जाना है जी। मैंने हम आए हैं ना तो थोड़ा देखने के लिए, इसे नहीं कि कहाँ डिस्टर्ब है कैसे नहीं। चलिए, लोग यहाँ देखने के लिए भी आ रहे हैं और लोग इधर से गुजर भी रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस जगह को भी दिखाएंगे जहाँ से जिसके कारण इस पुल को बंद किया गया। अभी हम पहुँच रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह यहाँ पे पुल का एक हिस्सा थोड़ा सा धंसा हुआ है, नीचे की तरफ धंसा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। और ये पुल का जो दीवार कहेंगे वो थोड़ा सा क्रेक हो गया है और पुल जो है वो नीचे की तरफ धंसा हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने 25 अगस्त से इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया है। यहाँ तक कि पैदल यात्रियों को भी इधर से नहीं जाना है। इन सब के बावजूद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग पैदल भी इधर से जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा पुल से जा, तनी पुल पे जाए, मना पाया मना बस आप लोग जा रहे हैं, मजबूरी बस। क्या मजबूरी है? कुछ काम धाम के लेके, तो मान ली उसके लिए तो अल्टरनेट रास्ता बनाया गया ना, दूसरा रास्ता? कोई रास्ता नहीं बस। आपको शास्त्री नगर नवलपुर होते हुए बहुत लंबा दूरी पड़ जाए, दूरी पड़ जाती है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? वेस्टर्न से मदेवा। इसलिए आप इस पुल का प्रयोग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अल्टरनेट रास्ता बनाया गया है, जैसे कि नवलपुर श्रीनगर करबल्ला होते हुए जो रास्ता बनाया गया या झुनापुर बाईपास का जो रास्ता बनाया वो काफ़ी लंबा पड़ जा रहा है। गोपालगंज मोड़ से अगर किसी को दरबार की तरफ जाना है तो उन लोग के लिए ये रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जा रहा है पैदल जाने के लिए, इसलिए इस पुल का प्रयोग किया जा रहा है। हम पुल के दूसरी साइड भी हम आपको ले चलेंगे और वहाँ से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पुल को, हालांकि प्रशासन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों का आवागमन रुक सके, इसके लिए 6-6 जवान को तैनात भी किया गया है पुल पे। इन सब के बावजूद लोग जो है वो मान नहीं रहे, जैसे कि आपने सुना कि पुलिस के एक जवान ने बताया कि वो लोगों को समझा रहे हैं और इस सब के बावजूद भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस पुल पर आवागमन नहीं रुक रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये पुल का दूसरा छोर है, दूसरा किनारा है, ये आपको गोपालगंज मोड़ मैरवा गुटनी उत्तर प्रदेश के लिए जाता है और यहाँ पे पूरी तरह से बांस से इस पुल को पूरी तरह से घेरा गया है। और आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं इधर से इधर भी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग किसी तरह इधर से जा रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का आवागमन लगातार जारी है। वो देखिए, आप देख सकते हैं उधर की पुलिस के जवान तैनात हैं, इसके बाद भी बाइक वाले यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, हालांकि इसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि कैमरे की नज़र पड़ते ही हुए दो सब उधर से टर्न कर वापस जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, इन सब के बावजूद यहाँ पे लोगों का आवागमन लगातार जारी है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? पुल पे तो आवागमन पूरी तरह से बाधित है। हाँ, पुल तो नया बना था लेकिन 10 साल में ही बस गया सुशासन बाबू के सरकार में,
और देखिए अब क्या होता है, पूरा यातायात व्यवस्था बंद है और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन देखिए इसमें कब तक पहल करती है पुल बनने में। तो पुल बंद है इस पर, तो पैदल यात्रियों को भी मना कर दिया गया। और मुझे तो यात्रियों को छोड़िए, मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ऑटो से डेली जाता था, आज पैदल जा रहा हूँ बारिश में भीग के। कहाँ से आ रहे हैं? और हम तो आते हैं नौतन बाजार से, नौतन प्रखंड से। कहाँ जा रहे हैं? हम, मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ यहाँ गांधी मैदान में। पुल बंद होने से काफ़ी परेशानी है? काफ़ी परेशानी है, काफ़ी परेशानी है। और देखिए कब तक बनता है। चलिए, आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और आप देख सकते हैं दिव्यांग है, नौतन से आते हैं और ये अपने गांधी मैदान के पास कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि पुल बंद होने से ये पैदल ही पुल पे क्रॉस कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम जानकारी लेंगे, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि पुल बंद है फिर भी आप लोग इधर से जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये लोग जो है वो कैमरे को देखते ही भाग रहे हैं, कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा डीएम अमित कुमार पांडे का साफ तौर पर यह निर्देश है कि उस पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, पैदल भी यात्रा नहीं करनी किसी को। इन सब के बावजूद हम आपको फिर से एक तस्वीरें दिखाएंगे कि आवागमन लगातार चालू है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो गोपालगंज मोड़ से दरबार की तरफ जिसको जाना है वो पैदल कैसे उतनी लंबी दूरी तय करें। लगातार हम आपको इससे जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस के साथ, सहयोगी मोहम्मद राज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस।